उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर जैसे जैसे मायावती की पकड़ कमजोर होती जा रही है, वैसे वैसे उनकी सुरक्षा भी घटती जा रही है। जहां पहले एक वक्त में मायावती अभेद सुरक्षा घेरे में घिरी रहती थी, हजार सुरक्षा कर्मी उनके आगे पीछे घूमते थे, वहीं अब धीरे धीरे मायावती का अभेद किला टूटता जा रहा है। हाल ही में गृह मंत्रालय में VIP सुरक्षा को लेकर बैठक हुई थी। इस बैठक में लोगों को मिलने वाली Z+X और Y सुरक्षा पर चर्चा हुई, जिसके तहत ही उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। मायावती को मिलने वाली NSG सुरक्षा की क्विक रिस्पांस टीम यानी QRT को वापस बुला लिया गया है। अब उन्हें सिर्फ मोबाइल सुरक्षा घेरा ही मिलेगा। मायावती को NSG की सुरक्षा इंटेलिजेंस ब्यूरो की इनपुट रिपोर्ट के आधार पर मिली हुई थी, लेकिन अब उन्हें QRT सुरक्षा नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि 2008 में जब मायावती ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली थी, तब उनकी सुरक्षा में करीब 750 जवानों को तैनात किया गया था। कोटी में 5-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है। यहाँ सुरक्षा के लिए करीब 375 पुलिस वाले तैनात हैं। घर के बाहर मायावती के साथ सुरक्षा में 400 लोग होते हैं। उनके काफिले में बुलेट प्रूफ और जैमर वाहन सहित करीब 40 गाड़ियां होती हैं। प्रदेश से बाहर होने पर उनके साथ एक IG, एक DIG, 2 SP, 8 डिप्टी SP और भारी तादाद में UP पुलिस के जवान अलग अलग से भेजे जाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे मायावती की सियासी जमीन खत्म होती जा रही है, वैसे वैसे उनकी सुरक्षा भी घटती जा रही है। डीपी लाइव की रिपोर्ट।